सब जानते हैं कि हर साल हम लोग आज के दिन संपूर्ण क्रांति दिवस के रूप में मनाना हम लोगों ने शुरू किया और आज ही के दिन 1974 में यहाँ उन्होंने मीटिंग की थी, हम सब लोग उस मीटिंग में शामिल थे। इसलिए आज तो एक एक चीज याद है जी, हम लोग उस आंदोलन के साथ में थे और उसी दिन से संपूर्ण क्रांति की बात जो की गई उनके द्वारा और उसी के आधार पर हम लोगों ने बाद में कहा कि आज के दिन संपूर्ण क्रांति दिवस के रूप में इनके प्रति हम लोग माल्यार्पण करेंगे और एक विशेष उत्सव के रूप में मनाएंगे। और वैसे तो आप जानते हैं ये तो संपूर्ण क्रांति दिवस और जो आज का 5 तारीख का है 1974 का, ये तो बहुत पहले का है, लेकिन बाद में तो विश्व पर्यावरण दिवस भी आज ही के दिन होता है, वो तो बाद का चीज है। तो विश्व पर्यावरण दिवस का भी हम लोग सब आदर के साथ उसको करते हैं और हर बार तो अनेक कार्यक्रम भी करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन हम लोगों के लिए जो कुछ भी हुआ और इस बिहार से शुरू हुआ और पूरे देश में असर हुआ, तो जो कुछ भी जेपी के नेतृत्व में सब कुछ किया गया तो सारा तो आप लोगों को मालूम है और हम सब लोग उनके नेतृत्व में इस काम में लगे रहे थे। तो आज के दिन आ करके पुरानी बातें याद आती है, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग सब यंगर हैं, हम इसलिए इस बात को कह देते हैं कि इस चीज़ को याद रखिएगा। हापुड़ में जो घटना हुई है सर, क्या कहेंगे? इम्पोर्टेंट, एक इम्पोर्टेंट है आज का जो अवसर विशेष तौर पर जो हम लोग मनाते हैं। आप सोच लीजिए देश में संपूर्ण क्रांति का जो उन्होंने आह्वान, तो वही बहुत बड़ी चीज है, सबको याद रखना चाहिए, नई पीढ़ी को याद। उत्तर प्रदेश हापुड़ में जो घटना हुई है, बिहारी मजदूरों की मौत हुई है सर, वो तो घटना घटी है, तो उसके लिए तो हमारे लोग भी, सब शासन के लोग भी सब चीज को देख, वो तो हुआ है, न्यूज आया ही है सर। योगी आप तो होता ही, अरे कहीं भी हमारे लोग कोई घटना घट जाती है। भाई तो सबको अपना अपना अधिकार है करने का, उसमें क्या। सर योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है, हिला दीजिए। नाम जी,